सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है लोहियार्ड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लोहियार्ड स्टील में आप देखोगे अभी दो दिन से गजब की तेजी बनी हुई है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 4.5% के आसपास तेजी बनी है और उससे पीछे भी आपने देखा होगा स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी और एक ब्रेकआउट चलते आप देखोगे स्टॉक पहुँच चुका है 22.10 रुपये के भाव पर। और शेयर को मैंने नीचे के लेवल पर आपको काफ़ी बार बोला था कि उठा लीजिए, क्वार्टर फोर के नंबर आए तब भी बोला था उठा लीजिए, उस दिन स्टॉक में गिरावट हुई थी तब भी बोला था उठा लीजिए। तो इस शेयर का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ से ये शेयर जो ना भी आपको ऊपर में 35+ के लेवल भी दिखा सकता है। हाल फिलहाल 22.10 के भाव पर है, 35+ के भी लेवल दिखा सकता है। और इन सबके पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या रहेंगे वो आपने देख ही लिया होगा भाई, हर क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस आपने देखा होगा। ठीक है, उन सबके साथ साथ आप देखोगे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रिजल्ट आए हैं वो धांसू रिजल्ट आते नजर आए हैं, खतरनाक रिजल्ट जिनको आप बोलोगे वो आते नजर आए हैं। तो एज ए लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आपने स्टॉक में पैसा लगा रखा है तो काफ़ी बार बोला अभी स्टॉक बेस्ट है, होल्ड कीजिए। और नीचे में अगर मिले स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से 50-60%, 30-40% गिरावट में, तो वो मौका भी हाथ से मत जाने देना। ठीक है, नीचे के लेवल से कंसीडर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके 15 मई यानी कल के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, क्या कल भी स्टॉक में तेजी बनेगी या फिर नहीं, ये तेजी एक्चुअली में क्यों बनी हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी 21 करोड़ के आसपास कंपनी ने एक फंड रेज किया है। ठीक है, पीछे एक अपडेट भी आई थी वो मैंने आपको बताए हैं, कंपनी ने वारंट इशू किए हैं और उनके थ्रू जो है ना कंपनी फंड रेज किया 21 करोड़ का। दो कंपनियों को आप देखोगे, दो प्रमोटर ग्रुपों को ये फंड इशू किए हैं, जो वारंट से वो इशू किए हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, अगर उसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मेरे पास आप कमेंट कर देना, मैं आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आप देखते हैं कल के लेवल्स। उससे पहले आप देखोगे डाटा 16.9 मिलियन की स्टॉक में वॉल्यूम, यानी कि 1 करोड़ 69 लाख के आसपास हमें स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिली है। और स्टॉक अपने बाउंड वीक लो जो कि 2.08 रुपये 20 पैसे है वहाँ से 171% भागा है। और ऊपर के लेवल यानी जो इसका बाउंड वीक हाई है वहाँ से हमें थोड़ा गिरावट में देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं है। वहीं आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन 2185 करोड़ की हो चुकी है और शेयर के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट के चलते स्टॉक में क्या लेवल्स रहने वाले चलिए वो देख लेते हैं। और इन सब के साथ साथ देखते हैं अभी कोई अपडेट वगैरह आई है या फिर नहीं आई है। उससे पहले RSI आपको 64 पर और MFI आप देखोगे तकरीबन 60 पर देखने को मिल रही है। तो चलो पहले अपडेट देख लेते हैं भाई, अपडेट वगैरह क्या कुछ आते नजर आई है या फिर नहीं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कल के लेवल्स। तो लोहियार्ड स्टील के आप देखोगे 12 तारीख को ये अपडेट आई थी, उसके बाद कोई अपडेट आते नजर नहीं आई। तो चलिए अब देखते हैं कल के लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पहले डाटा दिखा देते हैं, डाटा कैसा रहा उसी हिसाब से चलेंगे स्टॉक के साथ। आप देखोगे प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 21.15 ओपन हुआ 21.5 पर, यानी गिरावट के साथ ओपनिंग ली, फिर स्टॉक में तेजी बनी और 22.40 के लेवल टच किए, 22.10 के भाव पर स्टॉक ने क्लोजिंग लिया है। इसके चलते आप देखोगे भी 76,733 के हमें जो है इसके ऊपर बाइंग ऑर्डर लगते नजर आए। जी हाँ, 76,733 के जो ना भी हमें एक बाइंग AM ऑर्डर देखने को मिला है। और इन सब के चलते आप देखोगे भी स्टॉक में फिर से एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। पर डिलीवरी पोजीशन क्या रहा है, डिलीवरी भी आप देखोगे भी लगभग 39% के आसपास उठी है, डिलीवरी अच्छी उठी है, एक बाय AM ऑर्डर आया है, इसका मतलब स्टॉक में बन सकती है कल के दिन तेजी। तो वो तेजी क्या होने वाली है चलिए देखते हैं, चार्ट्स के ऊपर इंट्राडे करने में सही है या फिर जो ना अभी पहले से होल्डिंग है तो उन्हें प्रॉड बुकिंग करना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए, चलो देख ले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी पीछे भी स्टॉक के मैंने आपको काफ़ी बार लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रांगली सपोर्ट बना हुआ था स्टॉक का और ये बार बार मैंने आपको जो ना अभी हर वीडियो में बताया था एक अच्छा सपोर्ट है, इसके ऊपर स्टॉक के अंदर आप जो ना इंट्राडे या फिर जो ना शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नीचे में सपोर्ट क्या बताया था आपको, 19.70 रुपये, स्टॉक उस लेवल पर बार बार आता है और वहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर उठता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे एक अच्छा सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से उठाए तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी और ऊपर में 22.20 रुपये के मैंने आपको टारगेट बताए थे स्टॉक के, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया बट सस्टेन नीचे में किया, ये थोड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग फिर भी स्टॉक में इंट्राडे या फिर जो है स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो 21 रुपये, जी हाँ प्रॉपर 21 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। और ऊपर में जो टारगेट यहाँ से होंगे वो आप देखोगे भी हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 22.75 का। अगर स्टॉक 22.75 को ब्रेक करता है तो फिर आप देखोगे ऊपर में टारगेट 25.20 रुपये के। तो ये इसके यहाँ से लेवल रहने वाले हैं इंट्राडे स्विंग ट्रेड उनके लिए। ठीक है, और लॉन्ग टर्म विजन वालों ने जिन्होंने पैसा लगा रखा है, सिंपल सा फंडा हुआ स्टॉक नीचे में मिले तो होल्ड कीजिए और इसको जो ना अभी उठाते रहिए।
10, 15, 20 कितने भी क्वांटिटी हो आपके अनुसार, आप वो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो और रिस्क मैनेजमेंट करके ही स्टॉक में पैसा लगाने के बारे में सोचना, न कि अंधाधुंध ऐसे ही। आई होप आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।